नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पौड़ी क्षेत्र में एक बार फिर से कोरोना का बढ़ते मामले प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए एक बार फिर से पुलिस प्रशासन ने जनता को जागरूक करने में जुट गई है। पौड़ी जिले में पुलिस प्रशासन जगह जगह कोरोना में रैली निकालकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पाठ पढ़ाने के साथ ही इस गंभीर बीमारी से सचेत रहने के उपायों को हाथों में तख्तियों के सहारे समझा भी रही है, जिसमें एनसीसी छात्र भी पुलिस के इस जन जागरूकता अभियान में शामिल होकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने और मास्क की अनिवार्यता के बारे में समझाया जा रहा है। तो वहीं सर्दी के इस मौसम में अधिक सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। बताते चले कि जिले में कोरोना अब तक 40 लोगों की जान ले चुका है, जबकि कोरोना के मामले में भी लगातार जिले में बढ़ रहे हैं, जिसे एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के साथ ही प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में अपील की जा रही है कि जब तक कोरोना वैक्सीन ना आए तब तक बिल्कुल भी ढिलाई ना दिखाई जाए। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। आज वर्तमान परिदृश्य में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके दृष्टिगत आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनका इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में जो भी पुलिस द्वारा, शासन द्वारा जो भी कदम कोविड को रोकने के लिए किए जा रहे हैं उनमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप सभी चीज़ों का पालन करते हुए इस महामारी से लड़ने में हमारा सहयोग। साथ ही इस बीमारी से लड़ने के लिए एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है। जो भी एहतियातन कदम सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं उन सभी का आप लोगों के द्वारा पालन किया जाएगा तो हम इस बीमारी से अच्छे से लड़ पाएंगे और इसके लिए पाएंगे। आगे मत,